बांका जिले में लगने वाला सबसे बड़ा सब्जी बाजार एक ऐसी पहेली है कि इस बारे में किसी को नहीं पता कि ये वैध है या अवैध। नगर पालिका द्वारा ठेका देकर सब्जी वालों से वसूली भी की जाती है। जिले का सब्जी बाजार एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि ये वैध है या अवैध। ये बाजार उस सड़क पर कई दशक से लग रहा है जो अस्पताल आने जाने की सुविधा के लिए बनाई गई थी। दूसरी तरफ सब्जी दुकानदारों से पर्ची काटकर की जा रही वसूली अतिक्रमण को मौन समर्थन दे रही है। इससे परेशान हर कोई है, लेकिन नगर पालिका के पास इस मर्ज की कोई दवा भी नहीं है। व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, भूमि नहीं है, रास्ते में पूरा मार्केट लग रहा है। अगर देखा ये जाए तो ये तो अवैध है। फिर वैध है तो व्यवस्थाएं बना के दे। नगर पालिका जैसे टीन शेड है, नल पानी की व्यवस्था हो, शौचालय हो। मंडला जिले के सबसे बड़े सब्जी बाजार की वजह से जिला अस्पताल की एम्बुलेंस और मरीजों को आने जाने के लिए जाम के हालातों का सामना करना पड़ता है। इस अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर नगर पालिका जिम्मेदार है, क्योंकि यदि बाजार सड़क पर लग रहा है तो नगर पालिका खुद अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है। वही यदि ये सब्जी बाजार के लिए ही नियत स्थान है तो फिर दुकानदारों के लिए जा रहे पैसे से उनके बदले उन्हें ज़रूरी सुविधाएँ क्यों नहीं दी जा रही हैं। हमारी ये समस्या है कि दिन भर हम धूप में बैठते हैं और सब्जी मंडी में ना बाथरूम जाने के लिए लेटरिन की और ना गाय बछड़े की यानी कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। 23 जून को है इसकी डेट, 23 जून को हो जाएगा। सुविधा वहाँ पानी की, बिजली की और साथ ही अन्य प्रसाधन की भी सुविधा वहाँ पर दी जाती है। लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था ही नहीं है, गैया बछिया की कोई व्यवस्था ही नहीं है। धूप यहाँ धूप में भी बैठो, बरसात में भी, बारिश में बैठो। जानकारी मेरे संज्ञान में आई है तो मैं इस पर साफ़ सफाई करवा दूँगी।